ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है जहां विंध्य के जनता का एक और बड़ी सौगात जल्दी मिलने वाली है। बता दें कि विंध्य में देश के सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार वाली ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन रीवा सतना होई के राजधानी भोपाल खातिर चली। तो विंध्य क्षेत्र के पहल मगेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सवेजरीन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता रही कि यह बेहद राहत भरी खबर लेके आने हैं। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत जल्दी रीवा सतना होई के राजधानी भोपाल तक का शहरवासिन का जोड़े वाली है। बता दें कि शुक्रवार का जबलपुर मंडल के चार अधिकारियों के द्वारा एक एक खातिर रीवा कोचिंग डिपो के निरीक्षण की इनका हबे कोचिंग डिपो के जांच रिपोर्ट मंडल और जोन के वरिष्ठ अधिकारियों का दीन जाई जिसके बाद रेलवे बोर्ड और PMO के पास यह रिपोर्ट भेजी गई। वहां से मंजूरी मिले के बाद जल्दी वंदे भारत ट्रेन रीवा सतना होई के भोपाल तक बता दी कि दौड़े लागी। वह वंदे भारत के ट्रेन के शुरुआत से रेवांचल एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग के इंतजार करने वाले लोगों का राहत मिल सकी। बता दें कि बड़ी संख्या में रेवांचल एक्सप्रेस से राजधानी भोपाल खातिर लोग ट्रैवल करा था और इस दौरान अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट सोहे आवत थी वह बुकिंग खातिर था। अब वो चीज़ से निजात मिली लोगों का और बता दें कि भोपाल और कोटा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलावे खातिर रेलवे कर्मचारियों का ट्रेनिंग और दिन जा चुकी है। मध्य प्रदेश के पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति से दिल्ली के बीच चलाई गई है और दूसर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बता दी कि रीवा से रानी कमलापति स्टेशन के बीच चलाए जाए की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पिछले साल बता दें कि रीवा भोपाल और कोटा में रेल कर्मचारियों का वंदे भारत एक्सप्रेस के मेंटेनेंस कराए और फैसिलिटी तैयार कराई के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों का ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस का रीवा से लावे खातिर जबलपुर रेल मंडल के अधिकारी सीनियर DEN का विजय पांडे सीनियर DST विराट गुप्ता और सीनियर DOM मधुर वर्मा के साथ DCM सुनील कुमार श्रीवास्तव रीवा जबलपुर शटल से बता दें कि निरीक्षण करे खातिर पहुंचे कोचिंग डिपो और स्टेशन के निरीक्षण की इनका अभी रिपोर्ट बता दें कि मंडल और जोन के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई जहां से रेलवे बोर्ड और PMO के पास यह रिपोर्ट भेजी गई। पूरे मामले को लेके जबलपुर सीनियर DCM विश्व रंजन के कहा भवे कि रीवा से वंदे भारत एक्सप्रेस चलावे की तैयारी की जा रही है और रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिले के बाद यह ट्रेन पटरी पर दौड़े लगी। तो बता दी कि रीवा के बहुत तेजी से कायाकल्प की जा रहा है। पिछले कुछ सालन में बहुत तेजी से रीवा एक महानगरी के तौर में विकसित हो नजर आ रहा है और कहो न कहो एक महानगरी का एक और पंख विकास के मिले वाले हैं जेके बाद सबसे ज्यादा राहत मुलोगन का मिली जे आए दिन रीवा या विंध्य क्षेत्र से राजधानी भोपाल खातिर सफर करा था और उनका अच्छी खासी परेशानी के सामना करे पड़त रहा। तो सजग रहिए और सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।